जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पर। मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे GSEP यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम की। दोस्तों उसकी हम बात करने वाले हैं, क्यों ये न्यूज में है पूरी बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि क्यों ये न्यूज में है टॉपिक दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस लेक्चर में और देखिए दोस्तों क्या इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की। दोस्तों अगर बात करें इस टॉपिक की तो अभी हाल में न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों अभी क्या किया है, अपने GSEC एक्विजिशन प्रोग्राम को रोक दिया है। इसको भी थोड़े समय के लिए रोक दिया है क्योंकि RBI ने कहा है कि जिस काम के लिए, जिस वजह से इस प्रोग्राम को लागू किया गया था, जो कि था लिक्विडिटी को एडिक्वेट करना, लिक्विडिटी को सिक्योर करना, सही करना, वो अभी बाकी मीजर्स के द्वारा सही हो गई है। यानी वहां पर दोस्तों एक स्टेबिलिटी आ गई है, इसीलिए गवर्नमेंट ने अपने जो रिजर्व बैंक ने अपना जो GSEC का प्रोग्राम है इसको यहां पर अभी रोक दिया है। अब दोस्तों बात करें इससे पहले कि तो अभी अप्रैल में ही दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, ओपन मार्केट परचेज कंडक्ट करेगा, यानी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगा और 25,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वो खरीदेगा जो GSEP प्रोग्राम के अंतर्गत ही खरीदी जानी थी। और इससे पहले भी दोस्तों GSEP 1.0 में जो फर्स्ट परचेज की थी वो भी RBI ने 25,000 करोड़ के करीब की परचेज की थी, जिसमें 25,000 करोड़ गवर्नमेंट सिक्योरिटी RBI ने खरीदी और गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट दोस्तों वहां से हुआ था। लेकिन अभी RBI ने कहा है कि उसे और यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बिल्कुल स्टेबल बनी हुई है और जितनी चाहिए उतनी दोस्तों बनी हुई है, इसलिए दोस्तों ये टॉपिक न्यूज में आया। अब दोस्तों बात करते हैं तो पहले कि GSEP प्रोग्राम ये क्या है। तो GSEP प्रोग्राम के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो ये क्या है, एक अनकंडीशनल स्ट्रक्चर्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में भी जानेंगे दोस्तों आगे क्या होता है ये। तो अभी इतना समझ लीजिए कि GSEP जो है वो एक प्रकार का ओपन मार्केट ऑपरेशन है जो कि बड़े स्केल पर दोस्तों किया जाता है और उसके द्वारा मार्केट में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको RBI परचेज करता है, मार्केट सेंटिमेंट से इरेस्पेक्टिव होकर वहां पर उसको परचेज किया जाता है ताकि लिक्विडिटी को दोस्तों मेंटेन किया जाए और उसको रेगुलेट दोस्तों यहां से किया जाए। अगर यहीं पर दोस्तों बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करने से क्या होता है फायदा किसी को, तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहां पर खरीदी जाती है इन सभी से दोस्तों क्या करता है, RBI इन्फ्यूजेस द मनी सप्लाई इनटू द इकोनॉमी। यानी RBI क्या करता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है वो खरीद लेता है और जो पैसा है वो गवर्नमेंट के हाथों में दे देता है, जिससे इकोनॉमी में दोस्तों क्या होती है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है, विच इन टर्न कीप द यील्ड डाउन एंड लोअर द बोरिंग कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। यहां पर पूरा फायदा तो गवर्नमेंट को यहां पर हो जाता है, तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। दूसरी बात अगर करें दोस्तों तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है यहां पर इस बात का बहुत फायदा उठाएगा, जो उसका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट है वहां पर दोस्तों काफी फायदा मिलने वाला था इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करने के बाद दोस्तों। लेकिन यहां पर थोड़ा सा यहां पर दूधा नेशनल पाइपलाइन इंफ्रा को जो अभी मिलने वाला है वो यहां पर थोड़ा कम हो जाएगा अगर RBI इस काम को नहीं करता। क्या इसके इंपैक्ट होंगे दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा कि RBI ने भी कहा कि जो उनके अदर मीजर्स चल रहे हैं लिक्विडिटी को मीजर करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, तो वो यहां पर दोस्तों सीधे सीधे फाइनेंशियल जो कंडीशंस है उनको यहां पर देखा जाएगा और यहां पर एक कंडक्टिव एनवायरमेंट दोस्तों बनने के चांस लग रहे हैं जिस तरीके से चीजें यहां पर निकल के आ रही है। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारा जो GSEP प्रोग्राम है उसका मकसद यही है कि हमारा जो यील्ड कर्व है उसको यहां पर लिक्विडिफाई करा जाए, उसका मैनेजमेंट यहां पर किया जाए और स्टेबल रखा जाए हमारे यील्ड कर्व को दोस्तों, यही इसका मकसद होता है। RBI ने यही कहा है कि बाकी जो मीजर्स हैं उनके कारण हमारा यहां पर जो यील्ड कर्व है यहां पर स्टेबल हो चुका है, इसीलिए हमें और GSEC यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करने की अब जरूरत नहीं रही है, इसीलिए उसने अपने GSEP कार्यक्रम को यहां पर रोक दिया। अब यहां दोस्तों एक शब्द बार बार आ रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो इसकी बातें कर लेते हैं। क्या होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी दोस्तों ऐसे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके द्वारा दोस्तों सरकार मनी यानी पैसे को उधार लेती है। जी हां दोस्तों, ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि अगर मान लीजिए मैंने अपनी सिक्योरिटी को दिया, तो मेरी सिक्योरिटी का मतलब है मेरा एक शर्तनामा जिसमें लिखा होगा कि आज मैं 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए जो भी ले रहा हूं वो इतने समय के बाद इतने ब्याज के साथ मैं वापस करूंगा। तो ऐसे ही गवर्नमेंट
गवर्नमेंट को जब भी दोस्तों पैसे की जरूरत पड़ती है वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को निकालती है, यानी एक तरह का बॉन्ड होता है इसको निकालती है। इस बॉन्ड के आधार पर वो मार्केट से आरबीआई से बैंकों से पैसा लेती है और दोस्तों कुछ समय के बाद उसको विद ब्याज उसको वापस कर देती है। तो दो कैटेगरी में हम लोग यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रख सकते हैं, एक होते हैं हमारे ट्रेजरी बिल्स और दूसरे दोस्तों होते हैं हमारे डेटेड सिक्योरिटी। ट्रेजरी बिल की यानी टी बिल की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी होती है जिनके द्वारा दोस्तों 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन इस प्रकार के छोटे टर्म के लिए पैसे को जुटाया जाता है। और जो डेटेड सिक्योरिटी होती है ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके लिए 5 साल से लेकर 40 साल तक के लिए पैसे को गवर्नमेंट जुटाती है। दोस्तों ध्यान कर लीजिए क्या होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और दोस्तों यहां बात करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन की, तो ये क्या होते हैं इसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, एक तरह का क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल होता है। जी हां, क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जिसमें दोस्तों क्या है, विच इज एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, यानी पूरी अर्थव्यवस्था में जो मनी सप्लाई है, जो धन की आपूर्ति है, उसको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए एक क्वांटिटेटिव टूल के रूप में ओपन मार्केट ऑपरेशन का प्रयोग आरबीआई दोस्तों कर देता है। यहां पे एक बात आपको समझनी है कि ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का दोस्तों पार्ट है जो कि आरबीआई अपनाता है। यहीं पर अगर बात करें तो ओएमओ क्या होता है, कंडक्टेड बाय द आरबीआई बाय द वे ऑफ सेल ऑफ परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यानी अगर आपसे ओएमओ का यहां मतलब पूछा जाएगा कि ओएमओ आखिर है क्या, ये कंट्रोल तो करता है मनी सप्लाई को लेकिन ये है क्या, तो ये क्या है, सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सेल और परचेज को करना, यही दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। और इस गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को खरीदने और बेचने के साथ दोस्तों आरबीआई क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। सेंट्रल बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता है दोस्तों सरकार से और फिर आगे बैंकों को वो बेच देता है। यहां पर एक बात समझिए कि किस तरीके से हमारी क्वालिटी, किस तरीके से हमारी लिक्विडिटी दोस्तों ओएमओ के द्वारा कंट्रोल होती है। तो यहां पर एक बात समझिए जो मैं आपको समझा जा रहा हूं। अगर ओएमओ की हम लोग बात करें तो यहां पर किस तरीके से हमारी जो लिक्विडिटी है वो कंट्रोल होती है वो मैं आपको यहां पर एक बार समझाता हूं, वो एक बार समझने का दोस्तों प्रयास कीजिए। होता ये है दोस्तों कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट से हमारा जो आरबीआई है वो परचेज कर लेता है और आरबीआई से जो मनी है वो गवर्नमेंट के पास दोस्तों पहुंच जाता है और फिर आरबीआई क्या करता है, इसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आगे बाकी बैंकों को दोस्तों बेच देता है और बैंकों से पैसा आरबीआई के पास दोस्तों आ जाता है। जब बैंकों से पैसा निकल के आरबीआई के पास चला गया, इसका मतलब दोस्तों बैंकों के पास जो मनी सप्लाई है वो कैसा हो गया दोस्तों, कम हो गया। यानी आरबीआई के द्वारा जैसे ही ओएमओ बेचे जाएंगे, जैसे ही सेल किए जाएंगे, तो तुरंत दोस्तों क्या होगा, मनी सप्लाई कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान रखिए, जैसे ही आरबीआई के द्वारा ओएमओ सेल किए जाएंगे तो तुरंत क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। और वापस जब ओएमओ परचेज कर लेगा, आरबीआई जब बैंकों से वापस ये ओएमओ अपने वापस ले लेगा तो आरबीआई को मनी वापस करना पड़ेगा। यानी ओएमओ जैसे ही दोस्तों परचेज किए जाते हैं वैसे ही क्या होता है, जो मनी सप्लाई है वो क्या होता है, वापस से मार्केट में बढ़ जाता है। और इस प्रकार से आरबीआई दोस्तों कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को किसके द्वारा, ओएमओ को करके, यानी ओएमओ के द्वारा। तो ये बात आपको दोस्तों एक ध्यान में यहां पे रख लेनी होगी। आगे तो बढ़ते हैं, तो आगे इश्यूज अगर समझते हैं कि क्या इश्यूज हुए थे हमारे जीसेप प्रोग्राम के तहत दोस्तों, तो उन इश्यूज को भी एक बार देख लेते हैं क्या क्या इश्यूज कहते हैं। सबसे पहले जो इसको क्रिटिस किया गया दोस्तों वो रूपी माइट बी गेट एडवर्सली इफेक्टेड, यानी इसके द्वारा दोस्तों रुपए की वैल्यू जो है वो दोस्तों डेप्रिशिएट होती है ये कहा गया, इसलिए दोस्तों इस प्रोसेस को नहीं अपनाया जाता या फिर इसीलिए इसको दोस्तों बहुत ही एंड में अपनाने का प्रयास किया जाता है। यहां पे दोस्तों एक रुपए के डेप्रिसिएशन के द्वारा इसका जीसेप का दोस्तों यहां पे क्रिटिसिज्म किया जाता है क्योंकि इसकी वजह से दोस्तों रुपया जो है वो गिर जाता है।
इसके अलावा बात करें दोस्तों रुपए के गिरने से ट्रेड ऑफ बिटवीन द टम्बलिंग रुपी एंड लोअर बॉर्डरिंग कॉस्ट, दोस्तों ये भी एक इशू रहता है। जैसे जैसे रुपए की कीमत गिरती आती है दोस्तों वैसे वैसे ट्रेड ऑफ दोस्तों यहां पर देखने को मिलता है, तो ये भी एक वजह है इसको दोस्तों रोकने की, इसको करने की। फिलहाल आरबीआई ने यही कहा है कि अभी जो मार्केट है वो लिक्विड है, अभी मार्केट में जितनी लिक्विडिटी चाहिए उतनी हमारे पास है, इसीलिए हम लोग आगे इस जीसेप प्रोग्राम को नहीं कर रहे हैं और इसीलिए किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हम लोग यहां पर नहीं खरीद रहे हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा जीसेप प्रोग्राम क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं और किस तरीके से लिक्विडिटी को यानी मनी सप्लाई को दोस्तों अपना कंट्रोल और रेगुलेट करता है आरबीआई, ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों इतना ही रखेंगे इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। मिलूंगा दोस्तों अगले वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूं। दोस्तों आप सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए और दोस्तों हमेशा आलस से दूर रहिए। जुड़े रहिए दोस्तों दिशा पब्लिकेशन के YouTube चैनल से और इस वीडियो को दोस्तों शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी को दोस्तों इसका फायदा मिल सके। चलिए तो आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।